और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बलियान ने किसानों का बकाया नहीं चुकाने वाली चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई की बात की है। जी मीडिया से खास बातचीत में बलियान ने कहा है कि मवाना शुगर, मोदी शुगर, सिंभावली, राणा ग्रुप ने किसानों के बकाए का कोई भुगतान नहीं किया, जबकि बजाज ग्रुप ने सिर्फ 30-35% ही बकाया चुकाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को इन मिलों को बेचकर किसानों के बकाए का भुगतान करना चाहिए। हमारे साथ है कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान। संजीव बालियान जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कौन कौन सी शुगर मिल है जिन्होंने इस साल की कोई भी पेमेंट नहीं करी किसानों को। देखिए, इनमें सबसे ऊपर है ममाना ग्रुप, जिसकी 3 शुगर मिल हैं, तितावी, नंगलामल और ममाना। दूसरे नंबर पर आता है मोदी, मलकपुर और मोदी शुगर मिल। उसके अलावा सिंभावली ग्रुप है, राणा ग्रुप है जो बिलारी में शुगर मिल है, कोई पेमेंट नहीं किया। बजाज ग्रुप ने भी अभी तक मात्र 30-35% पेमेंट किया, जिसकी करीब 14-15 शुगर मिल्स हैं। ये आप कह सकते हैं विलफुल डिफाल्टर हैं, ये लोग पेमेंट करना नहीं चाहते और दुर्भाग्य से अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई है। सर, इस बार 34 रुपये किलो के आसपास जो है चीनी मिल रही है, फिर भी क्या वजह है कि ये पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं? ये विलफुल डिफाल्टर हैं, प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं करे, मुकदमे दर्ज हैं। अगर एक किसान के पास 1,00,000 रुपये अगर वो ना दे पाए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि कई कई 100 करोड़ रुपये बकाया होने के बावजूद शुगर मिल मालिकों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सर, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई देख सकते हैं? सर, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार इसको देखे। देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो सब मिल मालिक ये कम से कम जो डिफाल्टर हैं अब तक जेल में होते और जब तक ये पेमेंट ना करते बाहर ना आ पाते। ये राज्य सरकार का काम है, कानून व्यवस्था, ये संजीव बालियान के हाथ में नहीं है। ये पेमेंट चूँकि किसान जो अपना गन्ना है वो राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार शुगर मिल को देती है सोसाइटीज़ के माध्यम से, इसलिए जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। वो अधिग्रहण कर सकती है, राज्य सरकार के पास पावर है कि इन शुगर मिल का जो डिफॉल्टर है उनका अधिग्रहण करके किसान को पेमेंट करें, किसान को उसकी पेमेंट चाहिए। और रुख करते हैं अब शेयर बाजार का। आज भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में निचले स्तरों से आई रिकवरी के चलते निफ्टी 7,850 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 164 अंक और निफ्टी 46 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियलिटी आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही। पीएसयूज बैंकों के खराब नतीजों के चलते बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। वहीं इसके अलावा एनर्जी, तेल, गैस शेयरों में भी बिकवाली रही। से निफ्टी अगर 200-250 पॉइंट का करेक्शन भी देता है इस लेवल से, मुझे लगता है दिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन द डिप्स विदाउट एनी डाउट। और अगर करेक्ट नहीं होता है और कंसोलिडेट होता है इस लेवल पे तो भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि दोनों सिनेरियो ऑफर्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बोल्स्टर योर पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्गर टाइम, से फॉर नेक्स्ट 3-5 years इज व्हाट आई वुड लुक एट इट। जो मोदी सरकार ने किया है इन टर्म्स ऑफ एक एक सेक्टर को लेकर जो कोशिश चालू है उसको ब्रिंग बैक टू लाइफ करने की, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। द स्पीड